जो मनुष्य इस अग्नि में श्रेष्ठ समीधा के साथ पवित्र आहुति देता है, वह अपने ग्रह को पुत्र पुत्र आदियों से संपन्न करके सुखमय बनाता है और 100 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करता है। मनुष्य का तेज अग्नि के समान चारों ओर फैले और मनुष्य सूर्य के समान अपने तेज से प्रकाशित होता रहे। हे आग्रणी नेता, तू प्रजाओं में प्रशंसनीय हो तथा तू हमें इतना प्रिय हो कि जब तू अतिथि होकर हमारे घर आए तो हम तेरा भरपूर सत्कार करें। जिस तरह एक ज्ञानी लोगों को ज्ञान का सद उपदेश देता है, उसी तरह तू भी सब प्रजाओं को उत्तम मार्ग का उपदेश दे। जब तू ऐसा करेगा तो तू प्रजाओं के लिए पुत्र की तरह पालनीय होगा। मनुष्य घोड़े के समान शक्तिशाली होकर उत्तम कर्म करता रहे, वायु के समान सर्वत्र जाकर सबकी स्थिति का निरीक्षण करे, अपने घर में रहकर पर्याप्त अन्न प्राप्त करे। जिस तरह पशु घास खाता है, जिस तरह अग्नि काष्ठों को जलाता है, उसी तरह मनुष्य या राष्ट्र अपने शत्रु का नाश करे, शत्रु को निर्मूल करे, शत्रुता करने के लिए उसे जीवित न रहने दे। यज्ञ करने वालों के घर में इस अग्नि का सदा ही निवास होता है और उन्हें समृद्धशाली बनाता है। यह अग्नि शरीर के सब अंगों में व्यापक है। इस अग्नि की मित्रता महत्वपूर्ण और सहायता देने वाली होती है। मित्र का महत्व बढ़ाना चाहिए, नेता अपने मित्रों का महत्व बढ़ाए। सब ज्ञानियों के पास हमारी उत्तम बुद्धि से प्रकट किया हुआ शुभ संदेश पहुँचे। दिव्य नेताओं को रहने के लिए उत्तम स्थान मिले और उनका कल्याण हो। शत्रुओं से, पापों से और कष्टों से सब प्रजा का बचाव हो। हम सर्वथा सुरक्षित रहें। अग्नि की कृपा एवं सुरक्षा हमारे लिए सदा सुलभ रहे। मनुष्य सत्य का पालन करे, सत्य पालन के लिए कटिबद्ध रहे। वह यह समझे कि सत्य का पालन करने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। जो ऐसा करता है वह देव भक्त प्रभु का तेज प्राप्त करके तेजस्वी होता है। मित्र और वरुण के साथ यह अग्नि एक मत से अपने अस्त्र से इस भक्त की सुरक्षा करते हैं। इससे वह निर्भय होता है। जो मनुष्य यज्ञ अग्नि में हवन करता है और अनेक यज्ञ कर्मों को करके शांति लाभ करता है, उसे पुत्र और पोत्रों की प्राप्ति होती है तथा उसे पाप और घमंड कभी नहीं होता। सूर्य के समान अग्नि भी निष्पाप दिखता है। इसकी शुद्ध बुद्धि जैसी ज्वाला विशाल होकर चारों ओर फैलती है। यह अग्नि शोक को रोकता है, अर्थात आनंद देता है। यह अग्नि लोगों की बस्ती में हो या वन में हो, सर्वत्र रमणीय ही दिखता है। इसी तरह मनुष्य निष्पाप हो, इसकी बुद्धि का प्रभाव चारों ओर फैलता रहे। यह शोक को दूर करके आनंद बढ़ावे और जहाँ भी रहे प्रसन्न चित्त ही रहे। इस अग्नि का मार्ग तेज पूर्ण है, इसी कारण इसका रूप भी बड़ा तेजस्वी है। यह परशु की तरह सब पदार्थों को काटता जलाता आगे बढ़ता है। यह सब पदार्थों को अग्नि के समान ही बना देता है। इसी तरह मनुष्य का भी मार्ग तेज पूर्ण हो और उसका रूप भी बड़ा तेजस्वी हो। वह परशु के समान तीक्ष्ण होकर सब शत्रुओं को काटते पीटते आगे बढ़े। वह तेजस्वी पुरुष जिस किसी भी पुरुष के साथ संयुक्त हो, उसे भी वह तेजस्वी बना दे। जिस प्रकार कोई बाण चलाने वाला वीर अपने लक्ष्य को साधकर बाण फेंकता है, उसी तरह यह अग्नि अपने लक्ष्य की तरफ जाता है। मनुष्य भी बाण की तरफ अपने लक्ष्य की तरफ सीधा जाए, वह मनुष्य
अपने शत्रुओं के लिए परशु के समान तीक्ष्ण हो। जिस तरह सूर्य उदित होने के बाद अपने प्रकाश को फैलाता है, उसी तरह यह अग्नि भी अपनी ज्वालाओं को फैलाता है। अपने मित्रों का महत्व बढ़ाने के समान यह अग्नि अपने प्रकाश के साथ बार बार शब्द करता है और अपने मित्र का महत्व बताता है। यह अग्नि रात्रि के समय प्रकाशित होकर मनुष्य को शुभ कर्म में प्रेरित करता है। यह अमर अग्निदेव अपने प्रकार से दिन में भी मनुष्य को शुभ कर्म में प्रेरित करता है। यह अग्नि सूर्य के समान प्रकाशित होता है। औषधियों और काष्ठों को जलाने के समय इसका बड़ा शब्द होता है। यह अपने प्रकाश और तेज से ऊपर की ओर ही जाता है और अपने धन से द्युलोक और पृथ्वी लोक को भर देता है। रथ में जोड़ने योग्य घोड़े जिस तरह अपनी शक्ति से युक्त होते हैं, उसी तरह वह अग्नि अपनी शक्ति से शक्तिमान है। यह बिजली के समान तेजस्वी और मृतों की अपेक्षा भी अधिक बलशाली है। ऐसा सूर्य के समान कांतिमान वह अग्नि यहाँ वेग से प्रदीप्त हुआ है। यह अग्नि देवों का सत्कार करने वाला है। इस अग्नि में घृत तथा अन्य पवित्र द्रव्यों की आहुतियाँ पड़ती हैं। वे आहुतियाँ अन्य देवों के पास जाकर पहुँचती हैं और इस प्रकार देवों का सत्कार होता है। इसी तरह यज्ञ में उत्तम गुणों से युक्त ज्ञानियों का सत्कार होना चाहिए। दिन के प्रकाशक सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला सत्कार के योग्य अग्नि हमें आदर के योग्य अन्न दे। सब विश्व को आयु देने वाला अमर और सम्मान के योग्य ज्ञान का प्रकाशक यह अग्नि सब मनुष्य में उषह काल में प्रदीप्त होता है। इसी तरह मनुष्य भी सूर्य के समान तेजस्वी बने, आदरणीय बने, योग्य और हित कर अन्न का स्वयं भी भोग करे और दूसरों को भी प्रदान करे। वह पूर्ण आयु प्राप्त करे, अमर और पूज्य बने तथा सर्वत्र ज्ञान का प्रसार करे। सतोता वर्णन करते हैं कि यह अग्नि सूर्य के समान अपने शुभ तेज से प्रकाशित होता है। वह जरा रहित और पवित्र है। वह अपने प्रकाश से विश्व को प्रकाशित करता है, शत्रु पर आक्रमण करता है तथा हिंसक शत्रु के नगरों का नाश करता है। हे प्रेरक अग्नि, तू शुभ प्रेरणा देने के कारण वंदनीय है। तू हमें घर और अन्न प्रदान कर, बल बढ़ाने वाला अन्न तू हमें दे। राजा के समान हम तेरी सहायता से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और विजयी बने तथा स्वयं सुरक्षित स्थान में रहें। जब अग्नि अंधकार का नाश करने वाले अपने तेज को अधिक प्रखर बनाता है, तब वही सबका भक्षण करता है। वायु प्राण रूप से जिस प्रकार सब पर शासन करता है, उसी तरह राष्ट्र का शासक राष्ट्र पर अपना अधिकार चलाता है। उसी तरह यह अग्नि अंधकार पर अपना अधिकार चलाता है। जो शत्रु अग्नि में हवि डालने रूप यज्ञ का विरोध करता है, उसका नाश हम शीघ्र ही करें। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से विश्व को व्याप्तता है, उसी तरह यह अग्नि भी व्याप्त है। उसी तरह वह मनुष्य भी अपने ज्ञान तेज से जागृत को व्यापने का यत्न करे। जिस तरह सूर्य अपने निश्चित मार्ग से जाता है, वैसे ही अग्नि भी अपने निश्चित मार्ग से जाता है और अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करता है। उसी तरह मनुष्य अपने निश्चित मार्ग पर चलता हुआ अपने ज्ञान से दूसरों के अज्ञान को दूर करे। हे अग्नि, तू अत्यंत आनंददायक है, इसीलिए तेजस्वी स्तोत्रों से तेरी महिमा का हम वर्णन करते हैं। वह हमारा स्तोत्र तू श्रवण कर। हम सब श्रेष्ठ नेता बल से युक्त वायु
और इंद्र के समान तुझ देवता को सब साहित्य समर्पण द्वारा संतुष्ट करते हैं। जो आनंद देता है उसकी महिमा का वर्णन करना चाहिए। अग्नि की कृपा से हम हिंसा तथा उपद्रव रहित मार्गों से धन और सुख प्राप्त करें। हम पापाचरण कभी न करें। विद्वानों का हम सदा धन आदि से सत्कार करें तथा इस प्रकार सुखपूर्वक रहते हुए हम वीर पुत्र आदि से युक्त होकर आनंद का भोग करें। हे अग्नय, बल के प्रेरक, तरुण, द्रोह रहित, भाषण करने वाले युवक के समान उत्साही अग्नि का हम स्तोत्रों से गुण वर्णन करते हैं। वह अग्नि ज्ञानी अनेकों से प्रशंसनीय, द्रोह न करने वाला और स्वीकार करने योग्य धनों को देने वाला है। हे तेजस्वी अग्नि, तेरे अंदर रात दिन यज्ञ करने वाले अन्नों को अर्पण करते हैं। सब पदार्थ जिस तरह पृथ्वी में रहते हैं उसी तरह सब सौभाग्य पवित्र अग्नि में रहते हैं। आगरणी के पास सभी तरह के पवित्र ऐश्वर्य रहे। हे अग्नि, तू विशेष तेजस्वी होकर इन प्रजाजनों में रहता और अपने पुरुषार्थ प्रयत्न से अनेक स्वीकार करने के योग्य धनों को रथ में रखकर बांट देता है। इस कारण हे ज्ञानी और ज्ञान प्रकाशक देव, कर्म करने में प्रवीण मनुष्य को तू अनेक तरह के धन बार बार देता रहे। हे मित्रों का महत्व बढ़ाने वाले और तपने वाले अग्नि, शत्रु गुप्त स्थान में रहकर हमें कष्ट पहुंचाता है और जो हमारे अंदर रहकर हमारा नाश करता है उसे अपने तेज से तेजस्वी बना हुआ तू अपने ही बल बढ़ाने वाली सामर्थ्यशाली ज्वालाओं से जला डाल। जो इस अग्नि की यज्ञ के द्वारा सेवा करता है वह विशेष ज्ञानवान होकर धन से तथा तेजस्वी कीर्ति से प्रकाशित होता है। मनुष्य बल बढ़ाने की प्रेरणा करे, अपमृत्यु दूर करे। हे आग्रही, जिस कार्य के लिए तू नियुक्त हुआ है वह कार्य तू शीघ्रता से संपन्न कर। अपना बल बढ़ाकर अपने बल से स्पर्धा करने वाले शत्रुओं का नाश कर। तू अपने तेजों को बढ़ाकर प्रशंसित हो। प्रभु के संरक्षण से सुरक्षित होकर मनुष्य अपनी कामना पूर्ण करे, वीर पुत्रों से युक्त धन प्राप्त करे, बल की इच्छा करने वाले बल प्राप्त करे, शीर्ण न होने वाला यज्ञ प्राप्त करे। जो अपनी सुरक्षा चाहता है वह नवीन यज्ञ के साधन लेकर प्रशंसनीय बल के प्रेरक, वन को जलाने वाले, वरण के मार्ग से जाने वाले तेजस्वी प्रिय दिव्य यज्ञ के संपादन करने वाले अग्नि के पास जाता है। वह गौर वरण फैलने वाला, प्रकाश के साथ रहने वाला, जरा रहित, शब्द करने वाले, किरणों से तरुण जैसा उत्साही, पवित्रता करने वाला अग्नि बड़े बड़े काष्ठों को भक्षण करता हुआ जाता है। हे शुद्ध अग्नि, वायु से हिलने वाली तेरी शुद्ध ज्वालाएं चारों ओर फैल रही हैं। बहुत जाने वाली दिव्य नवीन अंधकार का नाश करने वाली तेजस्वी ज्वालाएं वनों को खा जाती हैं। अग्नि की ज्वाला शुद्ध तेजस्वी, अंधकार का घर्षण करने वाली तथा प्रकाश का फैलाव करने वाली होती है। इस तरह अग्नि का तेज शुद्धता फैलाने वाला, अज्ञान का नाश करने वाला और ज्ञान का फैलाव करने वाला हो। हे शुद्ध पवित्र अग्नि, तेरी शुद्ध और शुभ ज्वालाएं पृथ्वी का मुंडन करती हैं, अर्थात पृथ्वी के बाल रूपी तृण आदि को जलाती है। खुले हुए घोड़े की तरह तेरी ज्वालाएं चारों ओर फैल रही हैं और वे पर्वत के शिखर पर उत्तम प्रकाशती दिखाई देती हैं। बलवान अग्नि की ज्वाला बार बार बाहर आती है, इंद्र के द्वारा फेंके हुए वज्र के समान तीक्ष्ण और शूरवीर के पाश के समान अग्नि की यह ज्वाला
भयंकर और रोकने के लिए कठिन है, यह वनों को जला देती है। हे अग्नि, तू अपने प्रकाश से भूमि के सब स्थानों को प्रकाशित कर और अपने प्रेरक किरणों से उन स्थानों को भर दे। भय के स्थानों को दूर कर और स्पर्धा करने वाले शत्रुओं को अपने सामर्थ्यों से नष्ट कर। आनंददायक स्तोत्रों से साधक प्रभु की स्तुति करे। इस स्तुति करने वाले को अद्भुत ज्ञान बढ़ाने वाला, आश्रय कारक वायु को बढ़ाने वाला, वीर पुत्र पोत्रों से युक्त विशाल धन प्रभु देता है। सूर्य रूप से द्यूलोक के ऊपर विराजमान पृथ्वी पर यज्ञ के लिए जाने वाले सब मनुष्यों के संचालक, आग्रणी रूप और यज्ञ के लिए उत्पन्न हुए ज्ञानी और तेजस्वी लोगों में सतत जाने वाले सब में मुख्य स्वरूप व मुख्य सब के संरक्षक अग्नि को देवों ने व बंधुओं ने अरणि से उत्पन्न किया है। अग्नि यज्ञों का केंद्र है, धनों का घर है, बड़ा आश्रय स्थान है। ऐसे अग्नि की सब लोग प्रशंसा गाते हैं। यह सब मानवों का नेता, यज्ञों का संचालक, यज्ञ की ध्वजा है। इसको अनेक विबुद्ध मिलकर अरणियों से मंथन करके उत्पन्न करते हैं। इस सर्व प्रकाशक अग्नि की सहायता से बलवान मनुष्य विशेष ज्ञानी होता है। वीर पुरुष इसकी सहायता से और ज्यादा बलवान होकर शत्रुओं का प्रभाव करने वाले होते हैं। अतः हे अग्नि, तू हमें भी प्रशंसनीय धन दे। ज्ञानी बलवान बने और बलवान ज्ञानी बने। सभी शूरवीर होकर अपने शत्रुओं का प्रभाव करने में सामर्थ हो। सब मानवों का नेता राजा हो और मानवों को प्रशंसनीय धन प्राप्त हो। हे अमर अग्नि, सब किरणें तू उत्पन्न होते ही तुझ बालक जैसे के चारों ओर फैलने लगती है। हे विश्व के नेता, जब तू माता पिता सादृश्य धावा पृथ्वी के बीच में प्रदीप्त होता है, तब तेरे यज्ञ कर्मों से मनुष्य अमर तत्व को प्राप्त होते हैं। अग्नि उत्पन्न होते ही उसका तेज चारों ओर फैलाता है। जब अग्नि प्रदीप्त होता है, तब उसमें जो अर्पण द्वारा यज्ञ किए जाते हैं, उनसे मनुष्य को अमर तत्व की प्राप्ति होती है। हे विश्व के नेता अग्नि, तेरे महान कर्मों में कोई रुकावट डाल नहीं सकता, ऐसा तेरा सामर्थ्य है। तू अपने माता पिताओं के समीप चले हुए यज्ञ कर्मों में उत्पन्न होता है और दिनों के प्रकाश सूर्य को प्राप्त करता है। यज्ञ के कर्म शुरू होने पर दोनों अरणी रूप माता पिता के समीप भाग में अरणियों के मंथन से अग्नि उत्पन्न होता है और यह अग्नि उत्पन्न होते ही सूर्य उदय की परिस्थिति जाती है, इसलिए वह सूर्य को प्राप्त करता है, ऐसा कहा है। अमृत का रूप जैसे सब लोगों के हितकारी अग्नि के तेज से द्यूलोक तक पहुंचने वाले सब शिखर प्रकाशित होते हैं, वही सब भुवन अर्थात उत्पन्न हुए सब प्राणी रहते हैं और सात नदियां भी वहां से चलती हैं। सूर्य के प्रकाश में तथा अग्नि के प्रकाश में अमृत अर्थात जीवन धारा का तत्व रहता है। सूर्य के उदय होने के समय उसके प्रकाश से पर्वतों के शिखर प्रकाशित होते हैं। अग्नि प्रज्वलित होते ही उसका प्रकाश प्रथम ऊंचे स्थानों पर पहुंचता है। उन पर्वत शिखरों पर सब भुवन सब प्राणी रहते हैं और वहीं से सात नदियां उत्पन्न होकर चलती हैं। सूर्य का प्रकाश हिमालय के शिखर पर प्रथम गिरता है, वहां सब प्राणी प्रथम उत्पन्न हुए थे और नदियां भी वहीं से उत्पन्न हुई हैं। उत्तम कर्मों को करने वाला सबका हितकारी यह अग्नि ईश्वर जी सब लोकों का निर्माण करते हैं। द्यूलोक के ऊपर के प्रकाशमान नक्षत्रों को भी इसी ज्ञानी ईश्वर ने बनाया है। सब भुवनों को यही विस्तृत करता है। यह ना दबने वाला संरक्षण और अमृत का रक्षक है,
यह अग्नि सर्वव्यापक बलशाली तेजस्वी और ज्ञान प्रसारक है। विश्व के नेता रूप इस अग्नि के लिए सोमरस के समान यह नवीन पवित्र सुंदर स्तोत्र गाया जा रहा है। वह विश्व हितकारी सर्वव्यापक अग्नि व्रतों का पालन करने वाला उन आकाश में सूर्य रूप से प्रकाशित होता है और यज्ञ कर्मों का पालन करता है। वह अंतरिक्ष और उसमें स्थित सब पदार्थों का निर्माण करता है और उत्तम कर्म करने वाला वह विश्व का नेता अपनी महत्ता से सब आकाश को व्यापता है।